आज गुल्ली और बुल्ली ने शॉन के लिए एक नई गाड़ी खरीदी है। शॉन कहता है, गुल्ली बुल्ली ये गाड़ी तो काफी कमाल की है, मगर ये इतनी छोटी क्यों है? इसमें तुम लोग तो बैठ ही नहीं पाओगे। गुल्ली कहता है, क्योंकि ये छोटे बच्चों वाली गाड़ी है, इसमें बैठकर अब तुम स्कूल पर जा सकते हो। शॉन कहता है, तुम तो मेरे दोस्त हो ना, भला तुमने ऐसा क्यों किया? तभी गुल्ली बुल्ली के घर एक लड़का आता है। गुल्ली और बुल्ली मेरी मदद करो, मेरे गांव में कुछ एलियंस ने हमला कर दिया है। बुल्ली कहता, अरे टिंकू तुम ये सब क्या कह रहे हो, थोड़ा सही से तो बताओ। टिंकू कहता, मेरे गांव में कुछ मॉन्स्टर्स लोगों को मारकर खा जा रहे हैं, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। शॉन कहता है, हमें टिंकू की मदद करनी चाहिए गुल्ली बुल्ली, इसके गांव को हमारी जरूरत है। और यहां पर बाबा भी बादल पर बैठकर आ रहे हैं। बाबा गुल्ली और बुल्ली के पास आते हैं। बाबा कहते हैं, पूरी गैंग यहां पर क्या कर रही है, क्या तुम लोग मेरे घर पर चलोगे पार्टी करने के लिए? तभी टिंकू बाबा को सारी बात बताता है। बाबा कहते हैं, ये काफी खतरनाक बात लगती है, हमें जल्दी से अपने गांव तक ले चलो टिंकू। और ये सभी लोग बादल पर बैठकर जाने लगे। और ये लोग थोड़ी ही देर में टिंकू के गांव तक पहुंच जाते हैं। और ये लोग देखते हैं कि वहां पर दो गांव वाले एक दीवार के पास छुपे होते हैं। तभी वहां पर दो मॉन्स्टर्स इनकी तरफ ही चलते हुए आ रहे होते हैं। और वो मॉन्स्टर्स उन दो लोगों को देख लेते हैं और उन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी बाबा कहते हैं, रुक जाओ मॉन्स्टर्स। तभी वो दोनों गांव वाले उन मॉन्स्टर्स को देख लेते हैं और बाबा के पास भागकर आ जाते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हमें रोका? अब तुम सबको मार डालेंगे हम। अब आया मजा। और अरे यहाँ तो रॉड भी आ गया है। रॉड उस मॉन्स्टर को फ्रीज कर देता है और बाइक से नीचे उतर आता है। रॉड कहता है, आप सभी लोग ठीक तो हो ना बाबा? शॉन कहता है, रॉड तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। और तभी गुल्ली रॉड को सारी बात समझाता है। रॉड उन दोनों गांव वालों से पूछता है कि ये मॉन्स्टर कौन थे और तुम्हारे गांव के लोगों को क्यों मार रहे थे। उनमें से एक आदमी कहता है, हमें भी नहीं पता ये तो, लेकिन हमारे गांव के कुछ लोगों को ये मॉन्स्टर्स पकड़ कर ले गए हैं, और टिंकू तुम्हारे भाई को भी ये लोग पकड़ कर ले गए हैं। टिंकू ये सुनकर बहुत घबरा जाता है। टिंकू कहता है, बाबा मेरी हेल्प कीजिए, मेरे भाई को बचा लीजिए। वो आदमी कहता है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने तुम्हारे भाई को मार दिया हो। बाबा कहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी उन्हें ढूंढना ही होगा। और तभी बाबा और रॉड उस एक मॉन्स्टर के पास आते हैं। रॉड कहता है, बताओ ये तुम लोग किसके कहने पर कर रहे थे और जिनको तुमने पकड़ा है उनको कहाँ रखा गया है? ये मिस्टर मीट और इविलन ने हमसे करवाया था और गांव के लोगों को उन्होंने अपने ठिकाने पर पकड़ कर रखा है। और ये सुनने के बाद में गुल्ली बुल्ली शॉन बाबा और रॉड टिंकू के साथ निकल जाते हैं टिंकू के भाई को बचाने के लिए। और थोड़ी ही देर में ये लोग एक पुराने किले के पास पहुंच जाते हैं। शॉन कहता है, बाबा क्या लगता है आपको, उन्होंने गांव वालों को यहीं रखा होगा क्या? बाबा कहते हैं, ऐसे तो हम कुछ नहीं बता सकते हैं शॉन। गुल्ली कहता है, बाबा मुझे बहुत डर लग रहा है, आप लोग ही अंदर जाओ, मैं यहीं पर रहता हूँ। बाबा कहते हैं, साथ ही चलो गुल्ली, अकेले रहोगे तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। और ये लोग उस किले के अंदर जाने लगते हैं। तभी वहां दो मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। कौन हो तुम लोग और यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? शिकार खुद चलकर आया है अपने पास, अब ये भी मारे जाएंगे। बाबा कहते हैं, तुम लोगों के मालिक मिस्टर मीट और इविलन को बुलाओ, कहाँ छुपकर बैठे हैं वो? रॉड कहता है, बुला दो नहीं तो मारे जाओगे। तभी वहाँ मिस्टर मीट आ जाता है। तो तुम लोग आए हो, बताओ कैसे मदद कर सकता हूँ? बाबा कहते हैं, उन गांव वालों को छोड़ दो मिस्टर मीट, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अरे ये तो इविलन भी यहाँ पर है और इसने अपने हाथ में दो बॉटल पकड़ा हुआ है। और इविलन बाबा और रॉड को उस बॉटल के अंदर कैद कर लेती है। अब आएगा मजा। तो दोस्तों अब क्या होगा आगे की स्टोरी में,
क्या बाबा और रॉड गांव वालों को बचा पाएंगे या फिर ये लोग इस बॉटल के अंदर ही कैद रह जाएंगे? ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस कहानी का पार्ट टू। पार्ट टू देखने के लिए इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख सकें।